अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हजरा व्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं दिल्ली देगी बिरयानी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 जायफल, इसको हमने कट कर लिया है, 5 से 7 हरी मिर्च, 10 से 12 इलायची। चलिए इसे हम जार में डाल लेते हैं और इसे बारीक करके पीस लेंगे। अभी हम यहाँ पे इसे पीस लेंगे। देखिए हमने पीस लिया है। अभी मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन लिया हुआ है, इसे हमने पहले से ही अच्छे से गला लिया है और गले हुए गोश्त में हम ये सारा मिक्सचर ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर। जिंजर को हमने अच्छे से काट लिया है और 5 हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक को इस तरह से आपको स्लाइस में काटना पड़ेगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर लिया है। चलिए अच्छे से साफ करते हुए इसे इसमें डालेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही, 3 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 पे डाल लिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए गाइस, ये गला हुआ गोश्त है, इसमें हम सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला इसे ठीक से लग जाए। चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम चावल की तैयारी करते हैं। हमने पतीले में पानी गर्म के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और लौंग, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी। इन सब चीज़ों को हम जब पानी में उबाल आएगा उसमें मिक्स करेंगे। चलिए अभी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। ये 10 से 15 सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च से अच्छे से हम भून लेंगे। लो फ्लेम पे इसे अच्छे से हम भून लेंगे। चलिए हमने भून लिया है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अभी हम जार में भुने हुए लाल मिर्च को डालेंगे और 5 से 7 लहसुन और स्वाद अनुसार नमक। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही और इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। देखिए हमने पीस लिया है। तो यहाँ पे चटनी बनकर तैयार है। अभी हम 1 कटोरी में दही लेंगे और इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो फूड कलर है ये बिरयानी में डालने के लिए तैयारी चल रही है। चलिए इसे अच्छे से दही में मिक्स करेंगे। चलिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमने मिक्स अचार लिया हुआ है, इसे भी हम बिरयानी में ऐड करने वाले हैं। तो चलिए पतीले में पानी उबाल आना शुरू हो चुका है।
इसलिए अभी हम इसमें ये वाले मसाले ऐड करेंगे। चलिए अभी हम इसमें चावल को ऐड करने वाले हैं। हमने चावल को अच्छे से धो के आधे घंटे पहले ही भिगो के रख लिया था। ये बासमती राइस है। चलिए इसे हम ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे ढक देते हैं। अभी दूसरे पतीले में हम ऐड करेंगे 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसे गर्म होने छोड़ते हैं। चलिए अभी गर्म होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, अभी हम ऐड करेंगे गोश्त जो हमने मसाले से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। चलिए इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से हिलाते हुए हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर, ताकि नीचे जले ना। चलिए इसे हम ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमने जो चावल रखा हुआ था उसे हम अच्छे से हिलाएंगे। इसे हम और थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे। चलिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। इसे भी हम ढक देते हैं, इसे भी 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। चलिए अभी फिर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 80% पक चुका है। सिर्फ 80% ही आपको चावल को पकाना है, और 20% जो बचा हुआ है वो जब हम बिरयानी दम पे छोड़ेंगे तब वो पक जाएगा। चलिए पक चुका है, इसे हम छान लेंगे। अभी यहाँ पे गोश्त को चेक कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जले ना। तेल छूटना शुरू हो चुका है। चलिए अभी हम इसमें मिक्स अचार को हम ऐड करेंगे। इसे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके डालना है गाइस, इसे मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने अचार को डाल लिया है, और अभी हम ऐड करने वाले हैं फूड कलर जो हमने दही में मिक्स करके रखा हुआ था। तो इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके साइड में इसे डाल लेंगे। चलिए हमने फूड कलर भी ऐड कर लिया है। अभी हम ऐड करेंगे चावल जो हमने 80% पका के रखा हुआ था। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से हम फैलाते हुए सेट कर लेंगे। देखिएगा मैं कैसे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेट कर लिया है। अभी हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल 3 से 4 चम्मच। मैं ऑयल इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये चावल चिपके ना। फैलाते हुए इस तरह से हम ऑयल को डालेंगे। अभी हम इसे कॉटन के क्लॉथ से अच्छे से ढक देंगे इस तरह। और 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे छोड़ेंगे। देखिए गाइस, अब ये बिरयानी बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे अंदर से अच्छे से मिलाते हुए इसे सर्व करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।